जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। ये वीडियो कल का है। कल हम वृंदावन गए थे और वृंदावन में भी हमारी कुछ सेवाएं थी जो हमें करनी थी। सभी सेवाओं को अब मैं वीडियोस में नहीं दिखाती हूँ, लेकिन सेवाएं निरंतर चलती रहती हैं। उनमें से कुछ सेवा मैं आपको शॉर्ट के रूप में डाल दूँगी जो आपको दिख जाएंगी। और ये है बेलपत्र का जूस, जो मेरा फेवरेट है गर्मियों में। हमने यमुना मैया के दर्शन किए, फिर हम देवरा बाबा गए। हमने बहुत समय तक वहाँ पे समय बिताया। गर्मी बहुत भीषण है, गर्मी से बचें। बुज़ुर्ग और बच्चे अभी इन दो महीने गर्मियों में किसी भी स्थान पर जाने से पहले पूरी सावधानी से जाएं, या फिर इस समय पे आप इसको पोस्टपोन करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को और बुज़ुर्गों को ज़रूर बचाएं। घर पे बैठ के ही आप भक्ति कर सकते हैं। आप चिंतन करिए, पूजा यापना करिए और गर्मी से थोड़ा सा बचिए, ठीक है? क्योंकि मैं बता सकती हूँ, कल का टेम्परेचर इतना हाई था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी वृंदावन में, बहुत भीड़ हो रही है। तो भीड़ से बचिए, गर्मी के कारण बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो देखिए, अपनी उम्र के हिसाब से इस बात का ध्यान रखते हुए ही वृंदावन जाएँ। ये आप सबके लिए चेतावनी। आगे दूसरी बात हम करते हैं। मैं सुनाती हूँ अब आपको आज की लीला। आप ये वीडियो चलता रहेगा और मैं आपको आज की लीला भी बता दूँगी। आज हमारा लाला करवट बदल रहा है, यानी कि करुआ, वो बैठा हुआ है और करवट बदले जा रहा है। और सेविका से बोल रहा है, क्या हुआ? तो सेविका बोलती है, क्या हुआ लाला, क्या हुआ, बार बार करवट बदल रहा है और ये आऊँ है क्यों कर रहा है? मतलब बार बार जैसे करवट बदलते हैं तो बच्चे कैसे करते हैं ना, ऐसे ही बोल रहा है। तो वो कह रहा है, मैं ना उठूँगा बिल्कुल, वो ना सब कहते कि तू ना फूल बंगलाई में अच्छो लगतो है और फूल बंगला में आके दर्शन दिया कर। मैं ये शॉर्ट में वीडियो आपको मतलब लीला बता रही हूँ। तो सेविका बोलती है, अच्छा अब कौन सी नास मिटीन तोते कह दई कि फूल बंगलाई में आए के तू दर्शन दियो? कह रही मोते कछू। तो सेविका बोलती है, अच्छा वो तो काज तो कछु करती ना, बस कहवे पड़ जाते हैं। अपनी मैया पे थोड़ो रहम कर ले, हैं थोड़ो सौ कछु जोड़वे लग जाए हम, तू जो है अपना जो काम करके सब खर्च करवा दे। तो कह रो, तू ऐसे मत बोल, तू अच्छी ना है, मेरी मैया बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यार करते मेरी मैया, और तू मुझे प्यार ना कर, जब देखो तब ऐसे ही बोलते हैं। बोले, हाँ तेरी मैया ही सब प्यार करते हैं, माँ मैया है, थोड़ी सी तो राहत दे दे, हैं बता क्या करेगो? तू मुझे ऐसे मत बोले, मैं मुड़े फोड़ लूँगा अपनो हवाल फोरू का। तो सेविका बोलती, हाँ फोड़ ले, तू मुड़े फोड़ ले और तू हाथ तोड़ ले, तू पाम तोड़ ले, तो पे तो यही काम है बस, है ना, कि कोई काम हो, बस कोई चीज़ हो, नेक पैसा तो दिख जाए तो सीधे से यही काम करना है। बोले, का दिखना? मैया ने कही थी ना कि मैं बहुत प्यार हूँ और मैं बा को लाड लो, तो मैया कहते हैं ना तू अच्छी ना है सोना, तू अच्छी ना है। और सोना बोलती है, हाँ भाई मैं तो बहुत बुरी हूँ, दुनिया की सबसे बुरी मैं ही हूँ, सब रो बुरो काम मैंने ही करो है ना। कहा हुए बुला तो हतना है, जाए के फूल बंगला बनवा अपने, हमें का परेशानी, और तू काज बार बार कर तो है, खा मत तो है, सो मत तो है और अपनी चीज़ करवा दो, तू मुझे ऐसे मत बोला है, मैं बोल रहा हूँ फोड़ू मैं मूड़े हवाल फोड़ू मैं अपने मूड़े, तू फोड़ ले, मैं कह तो रही हूँ तोते फोड़ ले अपने मूड़े है, हाँ। तभी सेविका कहती है, सबरे भगवान हर जगह दर्शन दे रहे हैं और तू दो दिन आते सोवे लग रहो है, एक दिना दर्शन दे तो फूल बंगला में और फिर आके सो जाते हो, एक दिना है जाए, दस दिना है जाए, पंद्रह दिना है जाए, चालीस दिना है जाए, मैं फूल बंगला के बिना नहीं, मैं फूल बंगरा के बिना दर्शन नहीं दूंगो, मैं फूल बंगरा में ही बैठूंगो। तो सोना बोली, का फूल बंगरा, का फूल बंगरा हो तो तेरो रे? तो कह रो, बई में बैठूंगो मैं। तो बोले कि देख, तू का बाके बिहारी, अपने आप को कहते कि मैं बाके बिहारी हूँ, तो फिर अपने आप कर तो चुनाए। तभी ना लाला जो उठता है अपने सिंहासन से और सिंहासन पे बैठ के उधर बाके बिहारी जी की तस्वीर है उसकी तरफ देखता और कहता, ओ बाके बिहारी भैया, ने कछु फूर बंगरा मेरी तरफ दे दो, कछु फूर बंगरा मेरी तरफ कर दो, बहुत गर्मी चल रही है, मैं ऐसी काम ना कर रही, मैं ऐसी ना चल रही, मऊ ठंडक में बैठा दो। तो सेविका कहती है, हाँ हाँ वो तो बैठा हो, वो तो काम कर रहा हो अपना, वो बड़ो ध्यान दे रहा हो तू पे है ना, और तू ये नई नौटंकी करते रहते है, और सबरी की सबरी तोते कह जाते कि लाला आइयो और फूल बंगरा में दर्शन दियो है ना, और तो को
और जो फूर बंगरा बंगरा करके तूने तेने जे बंगरा और हमें बकरा बना रहे तू, तो कह रहो ना मैं इस ना कह रहा हवाल मूड फोड़ लूंगो अपनो, तू बहुत खराब है। बस जे ही बात बोलतो है, तेरे भगत कहाँ गए, सब चीज़ का हम ही करते रहेंगे तेरे काजे हैं। तो तभी और बुकाए तो करुआ के तू सब भक्त मोते कहते हैं हे भगवान तुम हमते खुश ना है, हमते खुश ना है। अरे खुश कहाँ थे होंगे, एक दिना करके बाद 10 दिना मो पूछते हूँ ना है ना। तो शिव कहे देख ले तू कैसो है तू, तेरे तू ऐसो और तेरी नौटंकी ऐसी, ऊपर से पता ना बुरना स्मटी को आए जो तो आए के जो डायलॉग दे जाते हैं कि फूल बंगलई में लाला दर्शन दीजो और तू बात पकड़ के बैठ जाते हो। बातें पहले तो ते कहा कही चाहे कछु है जाए मैं नई पोशाक के बिना फूल बंगरा के बिना दर्शन नहीं दूंगो, मैं हवाल सो जाऊंगो बस मैं खाऊंगो और सोंगो। शिव कबली जा सो ले और खा ले। तो प्यारे भक्तों ये आज की लाला की लीला थी। और हाँ सेविका उसमें कहती है कि जाके अपनी मैया ते कह दे मैं तो कहूँगी नहीं और ना ही मैं वाली लीला बताऊँगी, अब देखूँ तेरी बात कैसे होगी। तो आप विश्वास करिए कि उसी वक्त एक भक्त का मेरे पास फ़ोन आया था, अब उनसे मेरी और उनकी चर्चा चल रही थी, वो मुझसे यही प्रश्न पूछी कि भगवान मुझसे प्रश्न है कि नहीं। तो मैंने उनको समझा दिया प्यारी भक्त हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल प्रसन्न है आपसे, क्योंकि भगवान जब किसी से प्रसन्न होते तो उनके द्वारा अर्पण की हुई कोई भी वस्तु को धारण करते इसका मतलब भगवान प्रसन्न है। तो प्यारे भक्तों ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम सोचते हैं कि ये हमारे अनुरूप हैं या हमारे अनुरूप, ये सब हमारे अनुरूप कुछ नहीं होता, ये जो भी अनुरूप होता है ये ईश्वर के अनुरूप होता है, और ईश्वर जो चाहते हैं और जो करते हैं वो उन्हीं के अनुसार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाला ये जो नई लीलाएं करता है ये सब उसकी आनंद लीलाएं हैं। भाई किसी को आनंद आता है, हमें तो बहुत आनंद आता है। लाला इसमें जो ये बातें करता है मैं मुँह फोड़ लूँगो मैं जिक कर लूँगो, तो देखो हमको आनंद है। हमारी क्षमता जहाँ तक है जैसी है और जितना हम कर सकते हैं वो हम सदैव करते रहेंगे जब तक हम हैं, नहीं होगा तो भी हम करेंगे क्योंकि तरीके बदल जाएंगे लेकिन प्रभु के प्रति करने के लिए एक भी भाव खत्म नहीं होगा। जैसे कि याद करिए उनके सोने की पायल पहनाने की बात कही थी लाला ने अक्षय तृतीया पे, तो देखो अब हमारे पास तो नहीं था कि भई हम इतनी सोने की पायल पहना पाते, लेकिन फिर भी हमने सोने के मोती खरीद के उसमें हमने जो पैंडल्स में पहनाते हैं जो बने होते हैं पान के पत्ते, हमने उस तरह के अलग से खरीद के लाला के लिए पायल नजरेलू बनवाए जो कि उसने अक्षय तृतीया पे धारण की। हमने क्या बोला, भाव को पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और जब तक हम कर पाएंगे और तब तक सदैव हम करते रहेंगे, बाकी ईश्वर की इच्छा वो जैसा चाहेंगे, क्योंकि बुलवाने वाले भी वही हैं, लीला दिखाने वाले भी वही हैं, करवाने वाले भी वही हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरी बात, जो भक्त प्रभु की सेवा में होते हैं वो इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि हम जो भी सोच रहे होते हैं वो भाव प्रभु तक पहुंच जाते हैं। अब अनंत भक्त हैं जो घर बैठे हुए बांके बिहारी जी से अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके भाव वहीं तक हैं तो वो वहां तक भी स्वीकार्य होते हैं, है ना। तो ये सब हमारे लाला की कृपा है। और ये है कल का नज़ारा वृंदावन का, बहुत भीड़ थी भाई दर्शन करने में, अनंत भीड़ थी। और कल मतलब मैं सच बता रही हूँ गर्मी का इतना अधिक टेम्परेचर था ना कि वो तो ये शाम हो गई है जब हम लौट रहे हैं, 6:30 का समय है, तब जाके थोड़ी राहत मिली है, पूरे कपड़े भीग गए थे इतनी भीड़ थी। और अब रही बात लाला की, ये महाराष्ट्र से आए हुए भक्त हैं, अनंत भक्त थे कल जो है, महाराष्ट्र से अनंत भक्त आए थे कल दर्शनों के लिए। तो सोना ने बहुत सारी ये वीडियो शॉर्ट चलते चलते बना ली थी। और आपको मैं बताऊं हमें जाने के लिए तो और भी मन था लेकिन भीड़ देखकर हमारी हिम्मत नहीं हुई कि अब हम कहीं जाएं, लेकिन हमारी जो सेवा थी वो हमने कंप्लीट की जहाँ जहाँ भी हमें करनी थी। और उसके बाद हम पुनः घर वापस आए और हमारे लाला की ये नई लीला सुन के अब हमें, और मैंने अब सुबह सुबह ही फूलों के लिए पता किया तो अभी आज, क्योंकि एकदम से फूल नहीं उपलब्ध होते, 2 दिन पहले हमें बता के रखना पड़ता है कि हमें फूल चाहिए, तो आज तो फूल नहीं मिल पाए।